भैया सबसे पहले उम्र के हिसाब से का मतलब क्या है? सही कहा आपने कि मैं अभी पेड़ों के साथ और लड़कियों के साथ नाच नहीं सकता। रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। सर, रॉकी से लेकर अब तक आपका करियर जो है काफ़ी ग्लोरियस रहा है। आपने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं और बहुत कामयाब करियर रहा है, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पे आप आगे जाके हिंदी सिनेमा में किस तरह के रोल चुनना चाहते हैं, किस तरह के रोल करना चाहते हैं? ये जो इनिंग्स आप खेल रहे हैं, और क्या आप आगे जाकर मराठी सिनेमा में भी नज़र आएंगे कभी? क्योंकि कुछ ऐसे सितारे हैं हिंदी के जिन्होंने अभी अभी हाल ही में मराठी के फिल्में की हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित का नाम भी है। उन्होंने एक फिल्म अभी की थी। तो क्या इस तरह का कोई इरादा है आपका कि आप भी काम करेंगे? भैया सबसे पहले उम्र के हिसाब से का मतलब क्या है? नहीं, दाढ़ी थोड़ी सफेद हो गई क्योंकि कलोन लगाता था शेविंग के बाद में। नहीं, लेकिन सही कहा आपने कि मैं अभी पेड़ों के साथ और लड़कियों के साथ नाच नहीं सकता, लेकिन आई विल डू सम ग्रेट कैरेक्टर्स, जैसे मेल गिब्सन करते हैं या डेंजल वॉशिंगटन करते हैं, तो उस किस्म के कैरेक्टर्स मैं करूँगा। और जी, रॉकी से लेके अब तक काफ़ी लंबी जर्नी रही है और सीखने को बहुत मिला है, क्योंकि बहुत बड़े एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है और सीखने को बहुत मिला मुझे। और क्या पूछा सर? एक सवाल ये था कि क्या बाकी कई जैसे हिंदी सिनेमा के एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, मराठी फिल्मों में आप भी नज़र आएंगे? बिल्कुल आऊँगा। अगर ये जैसे डायरेक्टर अगर मेरे पास आए एक अच्छा रोल लेके, तो बिल्कुल करूँगा मराठी सिनेमा, क्यों नहीं। संजय सर, हाय। You have an exciting range of movies coming up. There's Burj, there's Shamshera, there is Prastanam and Panipat. But there's always a curiosity about the third part of Munna Bhai. When is that finally happening? I pray to God that it happens soon, but this question should be asked to Mr. Rajesh Irani. I think वो आपको ज़्यादा बोल पाएंगे। हम लोग सब जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ।